हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ झुन्नू कुमार। आप देख रहे हैं सब कुछ बात चैनल। आइए हम एक भूखड़ अतिथि वीडियो को देखते हैं। यह वीडियो पीएम टून चैनल के द्वारा लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो मैं इसका ओरिजिनल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बहुत दिन बाद मिला है। जानता है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब तूने एक औरत को छेड़ दिया था। अरे यार, इसके सामने तो मत बोल, उसकी बीवी है। औरतें छेड़ता है, अय्याशी करता है। अरे नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं कुंवारा था। अरे भाभी जी, क्यों मार रही हो इस बेचारे को? इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। कौन करवाए अपनी लुगाई से बिज्जती? हमें कुछ दिन तेरे घर पे रहना है, जब तक कमरा नहीं मिल जाता। आपका यह घर मकान। भाभी जी, आप क्या खाती हो? फूलती जा रही हो। तेरे बाप का खाती हूँ क्या? अरे नहीं भाभी जी, मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब है तेरा? मतलब भाभी जी, आप नीचे नीचे फैलती जा रही हो। अरे ये खाती है अलसी की खल, भैंस के लिए लाकर रखा हूँ, वही खा जाती है। बार बार मारी रही है दोस्तों। अरे भाभी जी, आपने तो एक ही चपत में इसकी चरखी सी घुमा दी। मुझे भूख लगी है, खाने पीने का इंतजाम करो। सब कोई खा रहा है। आपकी खाने की स्पीड तो बहुत तेज है। तो इतनी मोटी क्या वैसे ही हो गई? हाय हाय, मेरे को खाया पिया सब बाहर कर दिया। खाने के टाइम मुझे बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी यही अदा तो मेरे मन को भाती है। पहले खूब सारा खाती है, फिर ढेर सारा हकती है। घर में लैटरिंग के गटर 10 बार साफ करा चुका हूँ, इतना तो हकती है ये देसी भैंस। अरे अरे, वो तो मेरा है। खाओ भाभी जी खाओ, आप जी भर के खाओ, इसके लिए और मंगा देंगे। हाँ हाँ, खा लो, तुम खा लो, मेरे हिस्से का भी खा लो। ये तो पिछले 3 घंटे से खाए ही जा रही है। कितना खाती है ये तेरी बीबी? और ये घर का काम कब करती होगी? ये एक ही काम करती है, खाने का। खाने पूरा का। दिन खाती है, बाकी काम करने का टाइम ही नहीं मिलता इसे। तो मेरे घर क्यों लाया इस भुक्कड़ को? मेरे तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। ससुर के नाती तो मैं क्या करता, घर में कुछ बचा ही नहीं है। पूरे साल का राशन 2 महीने में खा गई। इस हिसाब से खाएगी तो 10-20 दिन में मेरा भी राशन निपटा देगी। मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब बता, मैं ही क्या करूं? इसके सामने बोलना भी अमराज से पंगा लेना है। तू इसको लेकर जा यहाँ से, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसे ज्यादा दिन तक संभाल सकूं। 1-2 दिन की बात है, ये खुद चली जाएगी। पक्का? सच बोल रहा है ना तू? हाँ, 1-2 दिन में ही घर का सारा दाना पानी खत्म कर देगी, फिर कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं तो अपने आप चली जाएगी। क्या अच्छा मौका है, मेरा दोस्त और मोटी घूमने गए हुए हैं। मैं दरवाजा बाहर से लॉक करवा लेता हूँ किसी से। हेलो बिलोटे, मेरे घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दे। अरे मैं घर के अंदर रहूं या खिड़की से बाहर कूद कर आऊं, उससे तुझे क्या मतलब? हे ऊपर वाले, इस मोटी से बचा ले, भारी भरकम मोटी मुसीबतों का पहाड़ है। दरवाजे के पास ही जाकर बैठ जाता हूं, मुझे पता तो चले लौट कर गए। दरवाजा तो खोल कल मुहे। दरवाजा तो बाहर से लॉक है, लगता है कहीं बाहर गया है। तो हम क्या करें तब तक? घर के बाहर ही खड़े रहेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है। अगर मैं ये दरवाजा ना तोड़ सकी तो इन शक्तिशाली 30-30 किलो की भुजाओं का फायदा ही क्या? हाँ तो खड़ी क्यों है, तोड़ दे दरवाजा। दरवाजा मैं नहीं, तू तोड़ेगा। मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 30 किलो की एक भुजा है तेरी और मैं पूरा ही 30 किलो का हूँ। दरवाजा तो तू ही तोड़ेगा। मर गया रे, मर गया। मोटी दरवाजा तोड़ रही कि मुझे तोड़ रही है? आई आई, ऐसे न टूटेगा यो, मेरा सर फूट जाएगा। क्या हो रहा है, घर में भूकंप आ गया क्या? अरे यार, ये बहुत खतरनाक है, ये तो जलजला ला देगी। फिर गई किचन में। ये तेरी लुगाई है या कोई प्रेत है? इसका पेट है या पेटीकोट है? बड़ी अजीब किस्म की लुगाई है ये, कितना भी खा ले भूखी ही रहती है। अबे यार, तो तेरी लुगाई है, तू झेल, मुझे क्यों मंड रहा है? तो मैं क्या करूं, इस हथनी को कहां बांध कर रखूं? तेरे और कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? सब रिश्तेदारों को कंगाल कर दिया इसने, जिसके घर में घुसी उसका बेड़ा गर्क करके निकली है। तो ये तो मेरी भी वही हालत करेगी। बिल्कुल करेगी, जब कोई रिश्तेदार नहीं बचा तो मेरी लास्ट उम्मीद तो ही था, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ चला आया। तेरा कोई रिश्तेदार या यार इसके प्रकोप से ना बच पाए। मैं सोच रहा हूँ यार इससे छुटकारा पाने का। मेरे पास एक आइडिया है, माने तो। अबे ओ भूखे नंगे भिखमंगे, तेरे घर में कुछ खाने को है भी?
तीन महीने का राशन सफाड़ कर बोल रही है कुछ नहीं है, पूरी बारात के खाने को एक घंटे में निपटा देगी। हो बारात से याद आया, तेरे मोहल्ले पड़ोस में कोई दावत नहीं है क्या? है क्यों ना होती, पास में ही है। तेरे घर में भूखा रहने से अच्छा तो मैं वही मुंह मार लूं। अरे पता तो पूछ लेती, कहाँ है दावत? वो सूंघती हुई खुद पहुँच जाएगी, खाने की लागत इतनी है। ये फैसिलिटी तो अच्छी है इसमें। हमारे यहाँ तो कोई इसको दावत पर बुलाता ही नहीं है, वरना दो हलवाई इसके लिए अलग से लाने पड़ते हैं। खैर तू छोड़, कोई आइडिया बता रहा था ना? अगर इससे छुटकारा पाना चाहता है तो जब ये खाना खाए उसमें नशे की दवाई मिला दे। थोड़ी बहुत दवाई से ये बेहोश तो होने नहीं वाली। हम इसकी कैपेसिटी के हिसाब से मिलाएंगे और जब ये बेहोश हो जाएगी इसे बहुत दूर छोड़ देंगे ताकि वहाँ से लौट कर ना आ सके। आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन बेहोश होने के बाद इस भैंसिया को लेकर कौन जाएगा? उसकी चिंता तुम मत करो, हम ट्रैक्टर से खिंचवा लेंगे। तेरा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है, आज ही कर देंगे इस काम को। ठीक है तो खाना वाना और दवाई लेकर आता हूँ। कैसी दावतें होती हैं तुम्हारे यहाँ, खाना तो बहुत ही कम बना था। कम बना था या तुमने निभाड़ दिया सारा? एक चपत मैं लट्टू से मचा दूंगी तेरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बेगम। मैंने सिर्फ आधा छबड़ा चावल, दो पतीला दाल, 60-70 पूरी, 33 ढोंगे दाल खाए हैं बस, इतने कम में क्या होगा मेरा? इतने में तो सारे मेहमान छक जाते उसके। हमने आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, ये खाओ तुम। अच्छा इतना खाने के बाद भी ऐसे टूट कर पड़ी है जैसे कितने सालों की भूखी है, हुआ नहीं है सर। भाभी जी खाना मैंने अपने हाथों से बनाया था, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा खाना था, इसको खाने के बाद तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे अरे ये कैसा अनर्थ हो गया, अबे तू जिंदा भी है इस पहाड़ के नीचे? अब तक तो जिंदा हूँ लेकिन मेरा दम घुट रहा है, कुछ भी करके निकाल मुझे। पता नहीं कैसे कैसे आइडिया देता है तू भी, अब इसे कैसे हटाऊं? अबे कुछ भी कर वरना मैं इसके नीचे ही दम तोड़ दूंगा, सांसें अटक रही है मेरी। इतनी तो भारी है यो। अरे यार बेहोश हुई है फिर भी चलना है। मेरे घर में जैक पड़ा है, मोटी को नीचे जैक लगा दे, जैक पैक तो फाड़ देगी यो। तो अब क्या करूं? अब तू अपनी अंतिम इच्छा बता दे, कोशिश करूंगा पूरी करने की। नहीं अब तो ऊपर वाला ही कोई चमत्कार कर सकता है। चमत्कार नहीं, अब तेरा दुनिया को नमस्कार करने का टाइम आ गया है। नहीं कोई तो आइडिया होगा। अब मैं वो काम करूंगा जो रावण ने कुंभकर्ण को उठाने के लिए किया था, खाने की महक सुनकर तो उठ ही जाएगी। ये ले सफेद रसगुल्ले, उठ जा उठ जा उठ जा, शाबाश शाबाश, उठ जा उठ जा, तुझे उठना ही होगा 2.5 क्विंटल की। पड़ तो रहा है करंट, धीरे धीरे उठ, खाना खा, अब उड़ जा नहीं तो फिर दबा ले कहीं। अब जान में जान आई, इसकी टांग के नीचे तो मैं भी आ गया हूँ कई बार। अबे अबे मार दिया रे, तू जिंदा है ना? मैं जिंदा हूँ, तू जिंदा है ना? अबे जिंदा हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब उम्मीद छोड़ दी। लगता है आज मोटी की कमर के नीचे ही हमारी कब्र खोदेगी। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत फनी वीडियो है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।